मैं और बेटी ये मुझे यही मिली थी हवासा में। हम ट्रेन जब मैं हवासा आ रहा था तो मुझे बस में मिली थी, और मुझे आज मैं हवासा में ही रुक गया यार, क्योंकि जिनके साथ मुझे जाना था पूरी अफ्रीकन वाइब्स आ रही हैं, बहुत बड़ा है। लूटने पे लगे हैं, हर बंदा कोई यही सोचता है कि बस बंदा फंस जाए किसी तरह, बस को किसी तरह लूट ले यार। ओ तेरी का देखो भाई कितना बड़ा पक्षी है। ये हाय बच्चे यहाँ डांस दिखा रहे हैं कर करके। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, एक और नए दिन के फ्रेश न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज मैं जा रहा हूँ यहाँ से हवासा की तरफ। अभी मैं बस स्टेशन जा रहा हूँ, बस जाके हवासा की बस लूँगा, वहाँ जाके हवासा की बस लूँगा, फिर वहाँ से जाऊँगा हवासा। देखते हैं कितनी दूर है, मुझे नहीं पता, मैं पहली बार जा रहा हूँ हवासा, इवन बस स्टेशन पहली बार जा रहा हूँ, और वहाँ जाके पता लगेगा कि कितना टाइम लगने वाला है। टैक्सी बुक कर दी है मैंने, पर बुक शो नहीं कर रही, पता नहीं कब तक आएगी। यहाँ पे ना एक ऐप चलती है, पहले शो कर रहा था आ रहा है, अब शो नहीं कर रहा। ये वाली ऐप चलती है फारस, FERES, ग्रीन कलर की ऐप है। अगर कोई आता है तो इस ऐप को डाउनलोड कर ले, बहुत ईजी है, जैसे हमारी ओला उबर चलती है ना, सेम टू सेम वैसे ही चलती है। चलो टैक्सी आ रही है, आपको बस स्टेशन जाके मिलता हूँ। अब बस बस कई बसेस निकलती हैं यहाँ से, इथोपिया बस निकलती है, इथो बस निकलती है, ये शायद वही है, ये इथोपिया बस है, 8 बजे निकलेगी सारी, ये हवासा की तरफ जाती हैं। मुझे अब ये नहीं पता लग रहा कि ये प्राइवेट बस है कि पब्लिक बस है, पता लगेगा तो मैं आपको बता दूंगा। बस ये ग्रीन कलर की बसेस निकलती हैं यहाँ से, सेम ही नंबर प्लेट है सबकी, ग्रीन कलर की नंबर प्लेट है। आई थिंक ये शायद टैक्सी वाली बस है, पता नहीं कब तक पहुंच जाते हैं। मुझे लगा था शायद ये वाली बस है, पर सेम है। चलो जो मर्जी हो, हमें हवासा पहुंचने से मतलब है, हवासा पहुंचने से मतलब है। कुछ कुछ लोग तो पॉजिटिव है, कुछ कुछ लोग ऐसे गंदा सा मुंह बना के रखते हैं। चलो बस में बैठ गया हूँ, सीट नंबर 1 मिली है मुझे, मेरे को बीच में चाहिए थी। और ये बस का ना ये चाइनीज़ ब्रांड है, यू टोंग, ये आपने शायद वहाँ पर भी देखी होगी, रशिया और उसमें भी चलती है, क्या नाम है, मंगोलिया में भी चलती है बस, यहाँ पे भी चलती है। चलो थोड़ी देर में बस का सफ़र शुरू होने वाला है, और बस की कोई एडवांस बुकिंग नहीं होती, यहीं पे आके मिल जाती है बस की टिकट, इतना कोई प्रॉब्लम है नहीं यहाँ पर। पहली बार बस में देखा मैंने पानी और खाने की सर्विस मिल रही है, थैंक यू, ये बस में दे रहे हैं पुडिंग हर एक को। वाह यार बस से सही है, और बाहर बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं यार, सच में यार बहुत ज़्यादा सुंदर नज़ारे हैं। अब फील हो रहा है असली अफ्रीका को, मैं अब फील कर रहा हूँ कि जो हम टीवी में देखते थे, जो है डिस्कवरी में देखते थे, असली अफ्रीका, असली अफ्रीका यहाँ पे। मैं सो गया था, इन्होंने मुझे उठाया थोड़ा सा हाथ पे, कहते पानी और ये ले लो, और मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था, ये खाऊँगा। और बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहा है सच में, इतना ग्रीन ग्रीन ऐसा दिख रहा है कि वाओ। बस एक जगह रुकी है, अभी हम नीचे उतरते हैं। और यहाँ पर भीड़ लगी यार, कुछ ना कुछ बेचने के लिए हर जगह शुरू रहते हैं यहाँ पर लोग ना, थोड़ा सा है सिस्टम। नो, थैंक यू, नो, थैंक यू। ये कुछ बेच रहे हैं बच्चे यहाँ पर, सामान बेच रहे हैं, फेस इज ऑफ, नो, नो, हवासा, हवासा, स्ट्रॉबेरीज, नो, थैंक यू, हवासा, लॉट्स ऑफ द चिल्ड्रंस ओवर देयर, है ना? देखो जहाँ देखोगे ना वहाँ एक सेकंड में बच्चे खड़े हो जाते हैं, एक सेकंड रुको हजारों लोग आ जाते हैं, लेट्स इस कम हियर, कितनी ज्यादा भीड़ हो जाती है एक सेकंड में ही ना, थोड़ा सा बुरा भी लगता है इन चीजों के लिए, पर क्या कर सकते हैं। आई थिंक आई क्लोज द कैमरा, है ना? नहीं, देन दे विल गो, ये देखता हूँ। कैमरा उस तरफ का, कैमरा।
ये हाय बच्चे यहाँ डांस दिखा रहे हैं कर करके। मैं आपको ना अंदर जाके मिलता हूँ, यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी होगी। हम कैमरा देख के ना लोग यहाँ पर इकट्ठे हो जाते होते हैं। शी इज बेटी, ये मुझे यहीं पे मिली है। यू वांट टू से एनीथिंग? हाय। यहाँ पे स्टडी कर रही है। व्हाट डू यू स्टडी? मार्केटिंग मैनेजमेंट। मैं इनके साथ हवासा जा रहा हूँ, ये भी हवासा जा रहे हैं। अभी हम नीचे उतरे थे, बच्चों की भीड़ आ गई थी पता नहीं कहाँ से एकदम से ही। यहाँ पर ना किसी को इंग्लिश आए ना आए पर एक चीज जरूर आती है, पैसे दे दो पैसे दे दो पैसे दे दो, बस ये वर्ड आता है यहाँ पर। पहुंच गए हवासा। ये कार्ड के साथ ही मिलता है यहाँ पे भाई बैग। कोई बात नहीं, ना ना कम नो नो बजे जा। वेयर आर यू गोइंग? यू गोइंग टू जेब्रा? जेब्रा राइट? हां ओके ये ले ओ ये आप रहो विद मी। ओके ये मेरे साथ है, ये लेके जा रही है कि मैं टुक टुक करवा देती हूँ तुम्हारे लिए, देखते हैं कितनी देर रुकता है। थोड़ी देर यहाँ बैठेंगे फिर डिसाइड करेंगे कहाँ जाना है। ये हेल्प कर रही है और ये कहते हैं कि मैं तुम्हें, मेरा ड्राइवर आएगा वो तुम्हें ड्रॉप कर देगा जहाँ तुम्हें जाना है। चलो देखते हैं कब तक ड्राइवर आता है और कितने पैसे चार्ज करता है, फिर बताता हूँ आप लोगों को। मैं अपने गेस्ट हाउस पहुँच के मिलता हूँ। एक डेल्प शहर है, तो पूरा प्रॉपर भरा पूरा शहर दिख रहा है देखने में, तो देखो पूरी प्रॉपर सिटी की तरह दिख रहा है। ले लिया था यहाँ पे, ये मुझे पड़ा 600 बिर का। बस ये छोटा सा रूम है इस, और अभी मैं थोड़ी देर पहले ही पहुँचा था, एक घंटा हो गया। थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ फिर उसके बाद थोड़ा सा हवासा को घूमने जाऊँगा। यहाँ पे एक बहुत ही फेमस लेक है उसमें जाऊँगा, बस थोड़ी देर भूख लग रही है कुछ खा के फिर निकलता हूँ हवासा में घूमने निकला हूँ। और मेरे साथ हैं, यू वांट टू कम इन कैमरा? व्हाट्स योर नेम? बोना। बोना बोना, ये है कारो ट्राइब से। कारो ट्राइब से यही मिल गए थे मुझे, सो मैं सोच रहा हूँ कि आसपास कहीं घूम लेता हूँ। तो ये कहता कि चलो मैं फ्री हूँ, मैं घुमा देता हूँ आप लोगों को। तो मैं यहाँ घूम रहा हूँ, यहाँ पर ना हवासा में एक बहुत बड़ी लेक है उसको देखने जा रहा हूँ। और सबसे अलग चीज़ जो मुझे यहाँ पे पता क्या लगी हवासा में, आप देख के हिल जाओगे, यहाँ पे ना पक्षी बहुत बड़े बड़े हैं, हद से ज़्यादा बड़े बड़े हैं, इतने बड़े बड़े हैं। अभी जो मेरा मैंने हॉस्टल लिया, हॉस्टल नहीं होटल है, काइंड ऑफ जेब्रा हॉस्टल, ठीक ठीक से अगर कोई लेना चाहे तो ले सकता है। जेब्रा मैं भी दिखा दूंगा, वैसे मैंने दिखा दी अंदर से कैसा दिखता है। इन्होंने मुझे ऑफ़र करा है कि $300 में तेरे को हम चार ट्राइब घुमा देंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तरफ दिल कर रहा चला जाऊँ, एक दिल कर रहा है कि यहाँ से हवासा जाऊँ। हवासा में तो हूँ मैं, यहाँ से अरबामिंच जाऊँ, अरबामिंच से तुमसी जाऊँ, तुरमी जाऊँ। अभी मैं सोच रहा हूँ कि कैसे ट्रैवल करना है, थोड़ा सा प्लान करके फिर ट्रैवल करूँगा और देखते हैं कैसा भी होता है, बता दूंगा आप लोगों को जैसा भी होगा। गुड गुड। बोट राइडिंग के और वहाँ तक जाने के कहते हिप्पो दिखाएंगे, 2500 मांग रहे हैं, इतने ज़्यादा बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं। और मोबाइल मैंने कैमरा मैन टाइट पकड़ लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं, इतने बनते भी नहीं है वैसे तो। ओ ये रहे, ये देखो भाई कितने बड़े बड़े वो हैं, ये पक्षी हैं पता नहीं क्या करते हैं, क्या खाते हैं, बड़े तकड़े मोटे मोटे हो रखे हैं। आई थिंक गो गो फ्रॉम दिस साइड। बहुत ही ज़्यादा महंगा है यहाँ पर हर चीज़, लूटने पे लगे हैं, हर बंदा कोई यही सोचता है कि बस बंदा फंस जाए किसी तरह, बस को किसी तरह लूट ले यार, हर कोई बंदा यही सोचता रहता है यहाँ पर। ये मछलियाँ डाल रहे हैं इस जानवर को, ओ तेरी का देखो भाई कितना बड़ा पक्षी है, कितना बड़ा पक्षी है। चलो चलो, नो नो इट्स ओके, चलो चलते हैं। अदरवाइज तो इतनी इतनी चीज़ के पैसे मांग लेते हैं कि मैंने मछलियाँ डाली इस चीज़ के पैसे दे दो, मेरी तरफ देख रहे हो इस चीज़ के पैसे दे दो, मुझे शूट कर रहे हो इस तरफ के पैसे दे दो, पैसे का बड़ा सिस्टम है यहाँ पे। और कुछ खास नहीं है हवासा शहर में, बस एक छोटा सा शहर है। मैं और बेटी ये मुझे यही मिली थी हवासा में, हम ट्रेन जब मैं हवासा आ रहा था तो मुझे बस में मिली थी, और मुझे आज मैं हवासा में ही रुक गया यार, क्योंकि जिनके साथ मुझे जाना था वो कहते हैं कि कल चलेंगे,
तो मैं यही रुक गया। तो ये मेरे को कहती मैं आपको अपनी सिटी घुमा देती हूँ हवासा। पहले तो मुझे लगा था पक्का बेकार सी सिटी, कुछ नहीं है, पर लिटरली यार बहुत अच्छी सिटी है, बहुत पॉजिटिविटी है। आई थिंक पॉजिटिविटी तब होती है जब इंसान आपको पॉजिटिव मिलता है। और ये यूना से समथिंग शायद फील कर रही है। और मैं आपको जगह दिखाता हूँ, मैं किस जगह बैठा हूँ। बड़ा अच्छी है, एक जूस बार है, काइंड ऑफ पूरी अफ्रीकन वाइब्स आ रही है, बहुत बड़ा है। ये देखो हमने कुछ स्पेशल जूस मंगवाया था और बेटी ने भी स्पेशल, पर बेटी का एक अलग चीज में आया क्योंकि वो कहते हैं आप मैनो इसलिए ऐसा है और वुमेन ने तो उसके लिए गोल गिलास है। फर्स्ट टाइम मैंने ये सुना है कि यहाँ पे ऐसा होता है ना। लेट्स टेस्ट करके बताता हूँ कैसा है। बहुत ज्यादा स्वाद है, बहुत ज्यादा स्वाद है सच में यार, बहुत ज्यादा टेस्टी है। थोड़ा सा मैंगो का फ्लेवर आ रहा है, थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी का, थोड़ा सा ऑरेंज का फ्लेवर आ रहा है, पर बनाया पता नहीं कैसे, लेकिन बहुत ज्यादा टेस्टी है, मजा आ गया पी के। चलो फिर मिलता हूँ पी के। देख लिया हम अब जा रहे हैं। और ये कौन सा फ्रूट है पहली बार देख रहा हूँ मैं, देखने में पता नहीं कैसा सा है, अगर किसी को पता हो तो कमेंट में जरूर बता देना ये कौन सा फ्रूट है। बहुत ही स्वाद खाना था, अगर कोई हवासा आता है तो एक बार यहाँ जरूर विजिट करना। मर्सी फ्रूट बड़ा ऑसम टेस्टी फ्रूट था। ओके अब चलते हैं। मैं अभी हवासा में हूँ। जिनके साथ जाना था मैंने वो भी गए नहीं, वो कहते हम कल चलेंगे, तो उनके साथ जाऊँगा। कल आपको इंट्रोड्यूस भी कराता हूँ वो कौन है। वो एक ट्राइब से ही हैं और यहीं रुके हुए थे, तो मैंने उसको कहते हैं मेरे साथ, हमारे साथ चलो। मैं कहा ठीक है तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो वो भी वहीं जा रहे हैं अरबामिंच, मैं भी अरबामिंच जा रहा हूँ। और कल या परसों से ट्राइब्स आनी शुरू हो जाएंगी। और देखो यहाँ पे ना नेट के अंदर बैठना पड़ता है, मच्छर ही मच्छर हैं, इसके अंदर बैठता हूँ। पहले ज़माने में होता था इंडिया में ना, ऐसे नेट लगा के लेटते थे, चारों तरफ नेट लगा हुआ है। और यहाँ बैठा हूँ मैं, काम कर रहा हूँ। मैं कहा वीडियो टाइम से आती रहेंगी, आप लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिए। 85% लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब मैं रुकने नहीं वाला हूँ, पूरी दुनिया ट्रैवल करता रहूँगा जब तक मेरे यूट्यूब पर 1,00,000 सब्सक्राइबर पूरे नहीं हो जाते।